आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ के केवीके 2 लिदौरा का कार्यक्रम विकासखंड अहरौला सभागार पर जनपद स्तरीय एक दिवसीय कृषि विज्ञान मेला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर राम सिंह और खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार विंद रहे। इस आयोजन में कृषि संबंधित विभागों द्वारा आकर्षक स्टॉल प्रदर्शनी लगाई गई थी, साथ में ही किसान वैज्ञानिक संवाद भी आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय प्राकृतिक खेती, दलहनी और तिलहनी फसलों पर तकनीकी चर्चा तथा बायो फोर्टिफाइड फसलों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अहरौला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया और उन्हें प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया, जिसमें शुद्ध अनाज, सब्जियां एवं फलों का उत्पादन हो सके, साथ ही साथ यह स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से लाभदायक सिद्ध होते हैं। केमिकल का प्रयोग फसलों में होने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से यह समाज में विभिन्न प्रकार की बीमारियों, शारीरिक अक्षमता और मानसिक अक्षमता दोनों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में फसलों के प्रति, उनकी गुणवत्ता के प्रति, उनके उत्पादन से संबंधित तथा उनके शुद्ध रूप से पैदावार के प्रति आम किसान की समझ को बढ़ाना और नई तकनीकियों को तथा उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को भी उपलब्ध कराना है। केंद्र अलीदौरा आजमगढ़ की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी इस विषय पर जो है आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृतिक खेती और कृषि में जो नवीन तकनीकी है, नवीन प्रजातियां कौन कौन सी आ रही हैं, बायो फोर्टिफाइड प्रजातियां कौन कौन सी हैं, इस पर किसानों के साथ वैज्ञानिकों द्वारा संवाद स्थापित किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। और जो जनपद में और इस कृषि विज्ञान के लदौरा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित भी किया गया। जो किसान कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और सब्जी की खेती कर रहे हैं अच्छी, और जैविक खेती भी कुछ किसान अच्छा कर रहे हैं, तो उन सभी किसान भाइयों को सम्मानित करने का काम किया गया। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।